सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में। तो इस भर्ती के बारे में अब तक ये था कि नवंबर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी में आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी इस भर्ती में एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि यहाँ पे एसएससी ने अपना एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके बाद एक और नई भर्ती की जिक्र इसमें की गई है। अब इसके बाद कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गया है बच्चों के बीच में और काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि लाजमी है अगर कोई बच्चा सीरियस है तो। आमतौर पर ये सवाल दिमाग में आते ही आते हैं कि क्या एक ही भर्ती है जिसे आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, कि जो नवंबर में भर्ती आनी थी वो अगस्त में आएगी, या फिर दोनों भर्तियां अलग अलग हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आप सभी जानते हैं कि डिफेंस रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लगातार हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको रियल और ऑथेंटिक तरीके से सबसे पहले लगातार मिलती रहती है। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि काफी इन्फॉर्मेशन को हम वहां पर भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए, आप सभी को बता दें कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। पहले जो कैलेंडर था वो था 2023-24 का, अभी जो कैलेंडर है वो है 2024-25 का। आप सभी को पता है कि 2022 की भर्ती के बाद 2023-24 की नई भर्ती का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया एसएससी के द्वारा, जिसमें आप सभी को पता है कि पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती को 2023-24 के कैलेंडर में ऐड नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर बाद में अचानक से यहाँ पे एसएससी वाली भर्ती ऐड होती है, जो कि मैं लगातार आप सभी को बोल रहा था कि नवंबर दिसंबर में आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती आ जाएगी। तो फाइनली होता क्या है कि यहाँ पे आपकी नई भर्ती ऐड हो जाती है कांस्टेबल जीडी की, जिसमें आप सभी को बताया जाता है कि 24 नवंबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रहेगी 28 दिसंबर 2023, और फरवरी मार्च में आपका एग्जामिनेशन होगा। फिर यहाँ पे एक और कैलेंडर आता है, उस कैलेंडर में यानी कि जो एग्जामिनेशन डेट आती है वो अनाउंस की जाती है, और ये क्लियर हो जाता है कि 22 फरवरी 2024 से आपका रिटन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीटी आपका होता है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये जो 2024 की भर्ती आनी थी इसकी सारी चीजें क्लियर है, कि भाई नवंबर में फॉर्म स्टार्ट, दिसंबर में लास्ट डेट, और फरवरी में आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट। अभी होता क्या है कि 6 तारीख को यहाँ पे एसएससी एक और एनुअल कैलेंडर जारी कर देता है, जो कि आपका 2024-25 का एनुअल कैलेंडर होता है। अब इसमें सबसे लास्ट में देखें तो एक और यहां पे भर्ती शामिल है। वो आपकी भर्ती कौन सी है? भर्ती है आपकी जीडी कांस्टेबल की, जिसकी जस्ट हम अभी बात कर रहे हैं, और इसमें बोला जाता है कि 27 अगस्त 2024 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, 27 सितंबर 2024 लास्ट डेट है, और दिसंबर 2024 जनवरी 2025 में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, दोनों ही नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिले हैं, जो कैलेंडर हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किए हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें बच्चों ने देख ली, जैसे ही नोटिस आया, जैसे ही कैलेंडर आया, मैंने आप सभी को इसके बारे में बता दिया। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं जो बच्चा बार बार पूछ रहा है, कि क्या ये दोनों भर्तियां एक हैं या इसी भर्ती को उठा के अब ये कर दिया गया है कि भैया अगस्त में आपकी आएगी। चलो आपको आंसर देते हैं। तो देखो, पहली चीज तो समझो कि यहां पे जब ये नोटिफिकेशन ऐड किया था तो इस भर्ती के पीछे 2024 लिखा हुआ है क्लियर। अगर 2024 में भर्ती सैंक्शन हुई है तो अगर इस भर्ती को आगे लेके जाते तो तब भी इन्हें यहां पे 2024 ही लिखना पड़ता, लेकिन यहां पे क्या लिख रहा है 2025। तो पहली बात ये समझो कि इस भर्ती की जो यहां पे बात की जा रही थी 2023-24 वाले एनुअल कैलेंडर में, वो 2024 वाली भर्ती की बात की जा रही थी, और जो एनुअल कैलेंडर अभी रिसेंटली आपका जारी हुआ है 24-25 का, इसमें जो बात की जा रही है 2025 की एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप इतना समझ लो कि दोनों भर्तियां आपकी अलग अलग हैं, ये आपकी 2024 वाली भर्ती है और ये आपकी 2025 वाली भर्ती है। तो ये जो दिमाग में आपके में कीड़ा चल रहा है, चलना अच्छी बात है, लेकिन उस कीड़े को निकाल फेंको, क्योंकि यहां पे अगर आप निकाल के नहीं फेंकोगे तो कहीं ना कहीं आप सोच से पीछे पिछड़ जाओगे। हमें चाहिए सिलेक्शन हर हाल में, और जब वर्दी पाने का इतना
इतना सुनहरा मौका हमें मिल रहा है, तो ये मौका हमें हाथ से जाने नहीं देना है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो कि दो भर्तियां आपकी आ रही हैं बैक टू बैक। अगर हम यहाँ पे देखें 2021 में भर्ती आती है, 2022 में भर्ती आती है, 2023 में भी भर्ती और 2024 में भी भर्ती, भाई इससे ज्यादा सुनहरा मौका आपके लिए हो नहीं सकता। इतनी वैकेंसी कभी भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में नहीं आई, क्योंकि आप सभी को बताएं भर्ती कैसे आती थी, 2011 में आ गई, फिर 2013 में आ गई, फिर 2015 में आ गई और फिर 2018 में आ गई। कुछ इस तरीके से भर्ती चलती थी कि 2 से 3 साल में आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती आती थी। आप ऐसे समझो कि यहां पे 7 साल में आपकी 4 भर्तियां और यहां पे 4 साल में आपकी 4 भर्तियां, तो बैक टू बैक आपके लिए वैकेंसी आ रही है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे मेन चीज यहां पे जो अगर हम डिस्कस करें तो देखो, सबसे ज्यादा जो डर था वो था सीईटी का, क्योंकि आप सभी को बताएं कि बात की जा रही है कि 2024 में जो भी आपकी बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर और एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी निकाली जाती है, 2024 में इनका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा दिया जाएगा जिसके थ्रू आपकी भर्तियां होंगी। तो यहां पे ये बात की जा रही थी कि ये सभी भर्तियां सीईटी में चली जाएंगी, तो फिर क्या होगा? तो जब यहां पे कैलेंडर जारी हो गया है 2024-25 का, तो एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि ये जो आपकी भर्तियां होनी है वो सभी आपका एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा और ये सीईटी से तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तैयारी में जुट जाओ। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि ये पहली भर्ती में मान के चलो 50,000 वैकेंसी आए, इसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो अगली वाली जो वैकेंसी है वहां पे आपकी सीट कंफर्म है, क्योंकि यहां पे अगर आप थोड़े बहुत गैप से रहते हो तो उस गैप को आगे आप कवर करोगे और बाकी के जो न्यू कॉम्पिटिटर आएंगे उनसे आप कहीं ना कहीं आगे रहोगे। तो तैयारी आप ऐसे करके चलो कि इसी वाली फर्स्ट वाली भर्ती में हमें सिलेक्शन चाहिए, दूसरा तो केवल एक बैकअप के तौर पे हमारा यूज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं और जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो, एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती का आज से नहीं, आप सभी को बताया, हम पिछले 6 साल से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, भले आज कोई कितना भी बोले, लेकिन इन्फॉर्मेशन के मामले में आप सभी को बताए